हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपके लिए ये वाला डिजाइन लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर सा हमारा ये डिजाइन बन के आता है, ये देखिएगा। तो ये जो हमारा डिजाइन है, ये हम लेडीज़ कार्डिगन में, जेंट्स स्वेटर में, हाफ स्वेटर में, फुल स्वेटर में, बेबी स्वेटर में, कार्डिगन में, और जो ये स्टॉल बनाते हैं इनमें भी, और बेबी फ्रॉक के घेर में भी डाल सकते हैं, स्टॉल में भी डाल सकते हैं। ये हमारा जो डिजाइन है, बहुत ही सुंदर सा हमारा ये डिजाइन आता है। बनाने में भी ये बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, इसको आप जो है बॉर्डर जो अपना बना लीजिए पहले, इसमें जितने फंदे आपने बढ़ाने हैं आप उतने फंदे बढ़ा लीजिए। उसके बाद फिर ये सीधी साइड से हमारा डिजाइन शुरू होगा। और जो हमने इसमें फंदे डाले हैं वो हमने, ये देखिए, 2 तो हमने एक्स्ट्रा हैं जो हमने एज इट इज़ रखे हुए हैं। उसके बाद हमने 9 के मल्टीपल हमने भी इसमें फंदे डालने हैं, तो हमारा डिजाइन अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिएगा, सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एज इट इज़ वाला फंदा है, इसको बनाइए या फिर उतारिए। तो मैं इसको हमेशा उल्टा ही बना लेती हूँ। उसके बाद हम धागा पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए, धागा आगे करेंगे और ये देखिए, ये जो हमारे 2 फंदे हैं, ये देखिए, इसको हम ऐसे उतार के और ऐसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। धागे को आगे ही रहने देंगे और यहाँ पे हम 2 फंदों का एक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे हमने 2 फंदों का एक कर दिया, यहाँ पे हमारी एक जाली आ गई। इसके बाद हम धागा आगे करेंगे और ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे हमारे उल्टे आ गए हैं। तो एज इट इज़ को छोड़ के ये देखिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 9 फंदों का हमारा जो डिजाइन है वो आता जाएगा। यहाँ से फिर से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। ये देखिए, एक फंदा सीधा बनाएंगे, सीधा बनाने के बाद धागे को आगे कर लेंगे और जो हमारा एक ये वाला फंदा है इसको उतार के हम ऐसे सीधा कर लेंगे। धागे को हम आगे ही रहने देंगे और यहाँ पे हम 2 फंदों का एक करेंगे पीछे की साइड से। ये देखिए इस तरह से, 2 फंदों का एक करेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे और 6 फंदे अब हम उल्टे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे हमने उल्टे बनाए, धागा हम पीछे करेंगे। अब फिर हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी साइड करेंगे और इस फंदे को उतार के ऐसे हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए, धागे को हम आगे ही रहने देंगे और ये देखिए, 2 फंदों का पीछे की साइड से हम एक कर देंगे। धागा अपनी साइड करेंगे और 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, आगे वाला जो ये हमारा फंदा है, इन 2 फंदों को ये देखिए ऐसे उतार के सीधा कर लेंगे। धागे को हम आगे ही रहने देंगे और ये देखिए, 2 फंदों का पीछे की साइड से एक कर देंगे इस तरह से। धागे को आगे करेंगे और 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एज इट इज़ वाले को भी हम फंदा उल्टा बनाएंगे। एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ गए हम अपनी दूसरी सिलाई पे। तो ये हमारा उल्टी साइड है, उल्टी साइड में हमेशा हमारी सिलाई उल्टी उल्टी ही बनेगी। तो इसको आप उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लीजिए।
तो ये दो सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब आ गए हम अपनी तीसरी सिलाई पे। तो ये देखिए एज इट इज़ वाले को हम उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपने साइड करेंगे। ये देखिए जो ये हमारा जाली वाला फंदा है इसको हम उल्टा बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से धागे को हम आगे ही रहने देंगे और ये देखिए इस फंदे को उतारेंगे और इस फंदे को हम ऐसे सीधा डाल लेंगे। इसके बाद हम इन दो फंदों का एक कर देंगे पीछे की साइड से और यहाँ पे हमारी एक जाली की ये फंदा हमने सीधा बना लिया। धागा अपनी साइड करेंगे और अब हम एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे अब हम उल्टे बनाएंगे। ये देखिए धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। ये देखिए धागा आगे करेंगे और ये जो हमारा जाली वाला फंदा है इसको हम उल्टा बना लेंगे इस तरह से। धागे को आगे ही रहने देंगे और ये देखिए इस फंदे को उठा के हम ऐसे सीधा कर लेंगे और पीछे की साइड से हम दो फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। धागा अपनी साइड करेंगे और ये देखिए एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे जो कि हमारा ये जाली वाला फंदा है। इस फंदे को उतार के हम ऐसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से धागे को आगे ही रहने देंगे और ये देखिए इन इन दो फंदों को पीछे की साइड से एक कर देंगे इस तरह से। धागा अपनी साइड करेंगे और ये देखिए एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, जाली वाले फंदे को हम उल्टा बनाएंगे और ये देखिए अब इन दोनों फंदों को पीछे की साइड से हम एक कर देंगे और धागे को आगे ही रहने देंगे। ये फंदा पहले ही हमने सीधा कर रखा था। ये देखिए अब हम पांच फंदे एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एज इट इज़ वाले को हम उल्टा बना लेंगे। तो तीन सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब आ गए हम अपनी चौथी सिलाई पे। तो चौथी सिलाई जो हमारी उल्टी साइड से है ये हमारा हमने उल्टा उल्टा ही बना के कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए हमारी चार सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब आ गए हम अपनी पांचवी सिलाई पे। एज इट इज़ वाले को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी साइड करेंगे और एक और ये दो जाले वाले फंदे हैं इनको हम उल्टा बनाएंगे। इस फंदे को उतारेंगे और ऐसे सीधा कर देंगे और धागा आगे ही रहने देंगे, दो फंदों का पीछे की साइड से एक कर देंगे इस तरह से। धागा अपनी साइड करेंगे और ये देखिए एक दो तीन और ये चार, चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए इस फंदे को उतार के हम ऐसे सीधा कर लेंगे, धागे को हम आगे ही रहने देंगे और पीछे की साइड से दो फंदों का एक कर देंगे, धागा आगे करेंगे और चार फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे जो कि हमारे ये जाली वाले फंदे हैं। इस फंदे को उतार के ऐसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए जो हमारा ये चैन वाला फंदा है इसको धागे को आगे ही रहने देंगे और इन फंदों को हम पीछे की साइड से दो फंदों का एक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से धागा आगे करेंगे और चार फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन और ये चार, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, चैन वाले फंदे को उतार के सीधा कर लेंगे। ये देखिए धागे को आगे ही रहने देंगे और दो फंदों को पीछे की साइड से एक कर देंगे, धागा आगे करेंगे और एक दो
तीन और ये चार, चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और एज इट इज़ वाले फंदे को हम उल्टा बना लेंगे। ये देखिए अब आ गए हम अपने उल्टे सिलाई पे। इसको हमने पूरा उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेना है, तो आप भी उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए छह सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब आ गए हम अपनी सातवीं सिलाई पे। एज इट इज़ वाले को उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो और ये तीन। ये देखिए चैन वाले फंदे को हम ऐसे सीधा कर लेंगे, धागे को आगे ही रहने देंगे और दो फंदों का एक कर देंगे पीछे की साइड से, धागा आगे करेंगे, अब तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, अब तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये देखिए चैन वाले फंदे को हम उतार के सीधा कर लेंगे और धागे को आगे ही रहने देंगे और दो फंदों का पीछे की साइड से एक कर देंगे इस तरह से, धागा आगे करेंगे, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, अब तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे। चैन वाले फंदे को उतार के ऐसे सीधा कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और धागे को आगे ही रहने देंगे, इन दो फंदों का पीछे की साइड से एक कर देंगे, अब तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और तीन फंदे उल्टे बनाएंगे। चैन वाले फंदे को उतार के सीधा कर लेंगे, धागे को आगे ही रहने देंगे और दो फंदों का पीछे की साइड से एक कर देंगे, धागा आगे करेंगे, तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एज इट इज़ वाले को हम उल्टा बना लेंगे। अब आ गए हम अपने उल्टे सिलाई पे, तो आप इसको उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए आठ सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब आ गए हम अपनी नौवीं सिलाई पे। एज इट इज़ वाले को उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागे को आगे करेंगे और एक दो तीन और ये चार, चार फंदे हम उल्टे बना लेंगे, धागे को आगे ही रहने देंगे और ये चैन वाले फंदे को ऐसे उतार के सीधा कर लेंगे और दो फंदों का एक करेंगे पीछे की साइड से, धागा आगे करेंगे और दो फंदे अब हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और एक दो तीन चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे, चैन वाले फंदे को उतार के सीधा कर लेंगे और पीछे की साइड से हम दो फंदों का एक कर देंगे, अब दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बना देंगे, एक दो तीन और ये चार, चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे, चैन वाले फंदे को उतार के ऐसे सीधा कर लेंगे और दो फंदों का पीछे की साइड से हम एक कर देंगे, धागा अपनी साइड करेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बना देंगे, अब चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे जो कि हमारे जाली वाले फंदे हैं। ये देखिए चैन वाले फंदे को उतार के ऐसे सीधा कर लेंगे और दो फंदों का पीछे की साइड से हम एक कर देंगे, धागा आगे करेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बना देंगे, एज इट इज़ वाले को भी हम उल्टा बना लेंगे। अब आ गए हम अपने उल्टे सिलाई पे, तो इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो आप भी इसको उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए 10 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई हैं। एज इट इज़ वाले को हम उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और एक दो तीन चार और ये पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे, चैन वाले फंदे को हम उतार के ऐसे सीधा कर लेंगे और दो फंदों का पीछे की साइड से एक कर देंगे इस तरह से, धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे, चैन वाले फंदे को सीधा कर लेंगे और पीछे की साइड से दो फंदों का एक कर देंगे
धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और ये देखिए पांच फंदे अब हम उल्टे बनाएंगे। चैन वाले फंदे को उतार के सीधा कर लेंगे और दोनों फंदों का पीछे की साइड से एक कर देंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और पांच फंदे उल्टे बनाएंगे। चैन वाले फंदे को उतार के हम ऐसे सीधा कर लेंगे और पीछे की साइड से दो फंदों का एक कर देंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, एज इट इज़ वाले को हम उल्टा बना लेंगे। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी उल्टी बनती है, इसको आप बना के कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए अब फ्रेंड्स हम आ गए अपने सीधी साइड, तो ये देखिएगा एक दो तीन चार पाँच और ये छः जालियाँ हमारी डल चुकी हैं। एक जाली हमारी और डली क्योंकि टोटल हमारी ये सात जाली होती हैं। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात सिलाई, ये देखिए हमारी जो है जाली डलती है तो सात और सात चौदह सिलाई का हमारा ये डिजाइन है। एज इट इज़ वाले को हम उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागे को आगे करेंगे और एक दो तीन चार पाँच और ये छः फंदे हम उल्टे बनाएंगे। चैन वाले फंदे को उतार के ऐसे सीधा कर लेंगे और धागे को आगे ही रहने देंगे और दो फंदों का पीछे की साइड से एक कर देंगे, फिर एक फंदा हम ऐसे सीधा बनाएंगे, छः फंदे अब उल्टे बनाएंगे। चैन वाले फंदे को ऐसे उतार के सीधा कर लेंगे और पीछे की साइड से दो फंदों का एक कर देंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और छः फंदे उल्टे बनाएंगे। चैन वाले फंदे को उतार के सीधा कर लेंगे, दोनों फंदों को पीछे की साइड से एक कर देंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और छः फंदे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए एक फंदा सीधा बनाएंगे, एज इट इज़ वाले को हम उल्टा बना लेंगे। तो सात जालियां हमारी कंप्लीट हो गई हैं, यानी कि हमारी 13 सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अब आ गए हम अपनी 14वीं सिलाई पे, तो ये हमारी उल्टी साइड है, तो इसको हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। आप भी इसको उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा डिजाइन जो है 14 सिलाई का कंप्लीट हो गया है। बहुत ही सुंदर सा हमारा ये डिजाइन बन के आता है। तो आप इसको फुल कार्डिगन पे, हाफ जैकेट पे, जेंट स्वेटर पे, फुल स्वेटर पे, किसी भी चीज़ पे इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर सा हमारा ये डिजाइन बन के आया है। तो आप भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।